लेकिन मैं यहाँ पे पुराने दुपट्टे कपड़े और जो अभी कटआउट के उसमें से जो मुझे वेस्ट स्क्रैप्स निकले वो सब इसमें मैं फिल कर दूंगी और फिर साइड से उसको स्टिच कर दूँगी ठीक है आप ग्लूगन से भी कर सकते हैं स्टिच अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है फिर जो एक्स्ट्रा दो थे उसको भी हमें साइड से स्टिच करके यहाँ पे क्वेश्चन रेडी हो गया है ठीक है कवर कर लेंगे और फिर जो तीसरा जो सर्कल था उसको क्या करना है उसको बिछाना है और जो हमारे साइड साइड से कवर करने के लिए मैंने क्लोथ कट आउट किए थे उसको ऐसे रख रख के उसको स्टिच करना है ठीक है तो मैं स्टिच करके बताती हूँ आपको कैसे रेडी होता है ये तो देखिए यहाँ पे स्टिच हो गया है और ये कुछ इस तरह से है इसको हमें ऐसे करके कवर करना है ठीक है सर्कल वाला पार्ट नीचे है और साइड साइड से ये ऐसे कवर हो गया है ये देखिए कुशन भी इसके अंदर फिक्स हो गया है तो मेरा कुशन थोड़ा छोटा बना है साइड साइड से कार्डबोर्ड दिख रहा है तो आप थोड़ा बड़ा कुशन बनाइएगा ताकि कार्डबोर्ड ना दिखे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस था मेरे पास तो ये लेस को मैं ऐसे साइड साइड से थोड़ा सा आ, क्यूट लगने के लिए मैंने इसको ऐसे स्टेपल कर दिया स्टेपलर से आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं ऐसे कर लिया है और ये देखिए पूरा रेडी हो गया है मेरा और अब बारी आती है ईयर बनाने के लिए तो ईयर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऐसा कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उसके ऊपर कवर करना है तो कवर करने के लिए हम कपड़ा लेंगे और उसको हम आ, स्टेपलर भी कर सकते हैं ग्लूग ग्लूगन भी और अगेन स्टिच भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करने के लिए स्टेपलर यूज़ कर रही हूँ तो ये हो गया है रेडी अब इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर हम कवर कर लेंगे कुछ इस तरह से हो गया है और अब हम ईयर को भी कवर करेंगे ईयर को कवर करने के लिए हम पहले ईयर के शेप में कटिंग करेंगे हमें यहाँ से साइड से भी शेप देना है शेप मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शेप देंगे तभी ये अच्छे से स्टिक हो पाएगा वरना फिर मोटा मोटा हो जाएगा तो कट करके हमें स्टिक करना है फिर एक ऐसा कपड़ा लेके मैं इसको बीच से कवर कर दूँगी तो कुछ इस तरह से रेडी हो के आया है मेरा कार्ड बेड का ईयर्स तो ये देखिए ये हो चुका है रेडी आई होप आपको भी पसंद आया होगा आप बिल्कुल ट्राई करें बिल्कुल अच्छा बनेगा So please like the video and subscribe to my channel. Bye!